आमतौर पर एक एकड़ में बागवानी के लिए 50 किलो यूरिया खाद लगती है, लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसी जैविक खाद बनाई है जिसका सिर्फ 250 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक एकड़ में पौधों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पूरी हो जाएगी। इस तरीके को वैज्ञानिकों ने पपीते में आजमाया है। इसमें किसी किस्म के पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस तकनीक से पपीते के 1 से 1.5 फीट के पौधे निकले हैं, लेकिन उनके तनों की मोटाई 1.5 इंच से ज्यादा है। इसे हम पपीता की खेती कैसे करें और पपीता में जो रोग लगता है जिसमें रिंग स्पॉट वायरस है और येलो वेन मोजेक वायरस है, ये भी अगर जैविक विधि से करते हैं तो नहीं आएगा। ये इतना बड़ा प्रमाण है जैविक का कि जैविक खेती करने से रोग प्रबंधन की आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ती। इस पर हम लोग अनुसंधान और अब देखिए।